हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के लेसन आर्टिकल से क्वेश्चन ले रहे हैं। इस वीडियो में हम ए और एन का यूज सीखेंगे। हम ए और एन का यूज साउंड के आधार पर करेंगे। सबसे पहले हम रीड करेंगे और यह देखेंगे वर्ड का पहला लेटर जो है वह वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड। यदि वोवेल साउंड है तो हम ए एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज करेंगे। हालांकि हम लेटर के आधार पर भी इसका चयन कर सकते हैं ए और एन का, लेकिन हम साउंड के आधार पर ही करेंगे, क्योंकि साउंड के आधार पर यदि हम ए और एन का यूज करते हैं तो किसी भी प्रकार के वर्ड में गलती की संभावना समाप्त हो जाती है। शुरुआत करते हैं अंट। तो पहला जो लेटर है वह वोवेल साउंड है और इसलिए हम ए एन का यूज करेंगे। दूसरा लेते हैं काउ। कौ जो है वह कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हम ए का यूज करेंगे। हॉर्स, ह जो है पहला उच्चारण यही होता है इसलिए हम ए का यूज करेंगे। एलिफेंट, ए वोवेल साउंड है इसलिए हम ए एन का यूज करेंगे। इंडियन, ये भी वोवेल साउंड है, एन का यूज करेंगे। अम्ब्रेला, ये भी वोवेल साउंड है, यहां भी एन लगेगा। मैंगो, म जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हम यहां पर ए का यूज करेंगे। डॉग, डॉग ही कॉन्सोनेंट साउंड है, यहां भी हम ए का यूज करेंगे। पैरोट, प जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ए का यूज करेंगे। टाइगर, टॉ भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ए का यूज करेंगे। कैमल, क जो है यह कॉन्सोनेंट साउंड है, यहां भी हम ए का यूज करेंगे। इंक पॉट, ये वोवेल साउंड है ई, इसलिए हम यहां पर एन का यूज करेंगे। ऑरेंज, ये भी वोवेल साउंड है, यहां भी हम एन का यूज करेंगे। टेम्पल, टॉ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, यहां पर हम ए का यूज करेंगे। एग, ये वोवेल साउंड है, यहां पर हम एन का यूज करेंगे। ऑक्स, ये भी वोवेल साउंड है इसलिए यहां पर भी हम एन का यूज करेंगे। इस तरह हमने साउंड के आधार पर सभी वर्ड के पहले ए और एन का यूज किया। वोवेल साउंड के पहले एन का यूज किया और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज। यदि वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ रही हो तो सबसे पहले हम वर्ड को लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ए और एन का यूज करेंगे। एक दो उदाहरण लेते हैं, जैसे कैमल। तो कैमल हम इस प्रकार लिखते हैं, पहला अक्षर जो है वह क है जो कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हमने यहां पर ए का यूज किया। एक उदाहरण और लेते हैं ऑरेंज। ऑरेंज हम इस प्रकार लिखते हैं, पहला अक्षर जो है आ वो वोवेल साउंड है इसलिए हमने यहां पर एन का यूज किया। इस तरह से स्पष्ट होता है कि किस तरह हम लिख कर भी और रीड करके भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं साउंड के आधार पर। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जो हमने इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल से लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।